सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे कैसे क्या सत श्रीकाल एंड नमस्कार। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ दैट हाउ डू आई मेंटेन माय बाइक इन दिस लॉकडाउन। अभी जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, तो हम सभी को मोदी जी ने हमारे घर पर बैठा रखा है, और घर पे बैठे बैठे हमारे पास कुछ काम धंधा तो देखिए बचता है नहीं। तो हम जैसे जो बाइकर लवर्स होते हैं, उनके लिए जो उनकी बाइक है, एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक बन जाता है कि भाई खड़े खड़े कहीं एक ख़राब नहीं हो जाए। सो उस चीज़ के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बाइक के साथ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, दैट खड़े खड़े भी रहेगी, घर पर भी रहेगी, तो उसको आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए। सो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। सो वीडियो के कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने आपकी जो गाड़ी है उसको कवर करके रखना है। कवर करके इसलिए रखना है क्योंकि भले जो हमारी बाइक है वो घर के अंदर है, लेकिन तब भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल मिट्टी होती है, वो तब भी घर के अंदर आती है, चाहे आपकी गाड़ी घर के अंदर ही क्यों ना खड़ी हो, और वो बेजबरन आके आपकी गाड़ी पे चिपक जाती है। तो आप सबसे बेस्ट उसको कवर करके रखो। अगर आपके पास बाइक कवर नहीं है तो कोई भी जो बड़ा कपड़ा हो, थोड़ा मोटा कपड़ा हो, उससे आप आपकी गाड़ी को ढक लो, क्योंकि ढकना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने भी मेरी बाइक को एक बेडशीट से भी ढक के रखा है, सिंगल बेडशीट है थोड़ी, लाइक यू कैन सी थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो मैं अभी अपनी बाइक को इसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जो सेकेंड चीज़ आती है वो है वॉशिंग ऑफ योर बाइक। अब आप बोलोगे भाई बाइक तो घर पे खड़ी है लेकिन इसको क्यों धोना है, तो मैं आपको बता दूं कि बाइक अगर भले घर पे खड़ी है, अब आपको उतना रेगुलरली नहीं वॉश करना है। जैसे अगर आप फॉर सपोज पहले 4 दिन 5 दिन या लाइक हफ्ते भर में वॉश करते थे, तो अभी आपको हफ्ते भर में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी 2 हफ्ते 15 दिन में एक बार आप आपकी गाड़ी को ज़रूर वॉश कर लो। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी है, ढकी हुई भी है, अगर वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से ढकी नहीं रहेगी तो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, और वो फिर चेन पॉकेट या चेन पे भी जाके वो लग जाते हैं, जिसके कारण वो रस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपको आपकी गाड़ी वैसे भी कंटिन्यूसली 15 दिन 20 दिन तक ढक के नहीं रखना है, बीच में उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। सो आपको जो है आपकी गाड़ी को वॉश भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आप उसको पहले जिस तरीके से वॉश करते थे उसी तरह आप उसको फिर से वॉश करके बढ़िया तरीके से ढक के रख दो। सो थर्ड थिंग आती है जो कि मैंने अभी अभी बोला, दैट स्टार्ट योर बाइक। अब बाइक को स्टार्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बाइक है अगर वो बहुत टाइम तक ऐसी खड़ी खड़ी रहती है तो बिना स्टार्ट किए जो उसकी बैटरी है वो बैठ जाती है, आप लोगों को पता ही है। सो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आप एवरी वीक या हर 5 दिन या 10 दिन में आप आपकी बाइक को स्टार्ट कर दो। उसको पहले थोड़ी देर, तकरीबन 30 सेकेंड या 45 सेकेंड आप उसको न्यूट्रल पे छोड़ दो, उसके बाद या तकरीबन 1 मिनट आप उसको न्यूट्रल पे छोड़ दो। फिर उसके बाद न्यूट्रल पे छोड़ने के बाद आपने उसे फर्स्ट गियर पे लगाना है, और फर्स्ट गियर पे डाल के उसको छोड़ देना है। न्यूट्रल पे इसलिए नहीं रखना है क्योंकि खाली न्यूट्रल से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट उसका व्हील जब तक घूमेगा नहीं तब तक प्रॉपर तरीके से गाड़ी की फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी। तो आप उसको स्टार्टिंग में 1 मिनट तक के लिए मैक्सिमम आप न्यूट्रल छोड़ दो, उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आप उसको फर्स्ट गियर पे डाल के छोड़ दो, ताकि जो गाड़ी है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो जाए। फोर्थ थिंग है यहाँ पे, दैट क्लीन योर चेन। अब आप जो आपकी बाइक है उसकी चेन को भी क्लीन करना उतना इम्पॉर्टेंट है जितना बाइक को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, हर वॉश पे नहीं लेकिन हर 2 या 3 वॉश के बाद आपको एक बार आपकी जो चेन है उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि वॉश के बाद जो चेन है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद वो फिर अगर आप उसको क्लीन करके लुब्रिकेट नहीं करते हो तो वो फिर रस्टिंग इशू या चेन इशूज़ प्रोवाइड करवा सकती है। तो हर वॉश के साथ आप चेन को क्लीन मत करो, आप उसको ड्राई मत करो, लेकिन हाँ हर 2 वॉश या 3 वॉश के साथ आप आपके चेन पॉकेट और चेन को भी क्लीन करो, और जब आप उनको क्लीन करो तो ऑन द सेम टाइम क्लीन करने के बाद उनको ल्यूब्रिकेट भी ज़रूर करिए। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट चेक वेदर योर बाइक इज़ लॉक्ड और नॉट। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है ये घर है, लेकिन आप में से कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद फ्लैट में भी रहते हो, मल्टीज में, बिल्डिंग्स में रहते हो, तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप एकदम याद से आपकी जो बाइक है उसको लॉक करना मत भूलिएगा,
क्योंकि जो चोर लोग हैं वो लॉकडाउन नहीं देखते हैं। आपको नहीं पता आपकी बाइक अगर लॉक नहीं है तो कौन नीचे से कब उठा के ले जाए, कब उड़ा ले, यू डोंट इवन गेट। सो जब आप उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके, क्लीन करके, पॉलिश करके, कवर डाल के अगर आप जब उसको रख दो तो आप याद से उसको लॉक करना ना भूलें। लॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बाइक। और अगर आपके पास डिस्क लॉक वगैरह भी है तो अभी दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू यूज़ देम, क्योंकि अभी काफ़ी लंबे टाइम तक हम हमारी गाड़ियाँ नहीं निकाले हैं और शायद अभी कुछ टाइम तक और ना निकालें। तो अगर आपके पास डिस्क लॉक भी है तो आप उसको भी आपके डिस्क पे लगा सकते हो। अगर आपकी डिस्क वाली गाड़ी नहीं है तो आप सिंपल हैंडल लॉक लगा दो, और अगर आपकी गाड़ी में लिंक लॉक है तो आप लिंक लॉक लगा के भी आपकी बाइक को सेफली पार्क कर सकते हो। सो गाइज, ये थी कुछ टिप्स जो कि यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए मेंटेन करने के लिए आपकी बाइक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सके, थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकें कि उनको एक्चुअली में उनकी बाइक को कैसे मेंटेन करना है फॉर दिस लॉकडाउन। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।